लेना है ना जी ना? नहीं राइट, हाँ यही हो, हाँ मतलब सीधा, हाँ सीधा जाना। सो फाइनली वी आर हियर एट द स्टार्ट ऑफ चोकर मूवी ट्रैक। ये जो ट्रैक है, मतलब जो स्टार्ट पॉइंट है, वो हमारा जो स्टे है देवीकुलम का, वहाँ से 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। बट हमको यहाँ पर आने में लगे 2 आवर्स, क्योंकि हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था। प्रो टिप, इफ़ यू आर यूजिंग गूगल मैप्स टू कम हियर, प्लीज़ डोंट, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, चोकर मूवी पीक और चोकर मूवी ट्रैक। तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1.5 आवर्स का डिस्टेंस है, और बहुत ही गंदा रोड है। तो हम लोगों ने वो रोड ले लिया था और हम पीक के पास में पहुंच गए थे। एनीवेज वी आर हियर राइट नाउ, और अभी हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिस पे ट्रैकिंग के लिए। तो इसके बाद वील स्टार्ट अवर ट्रैक फ्रॉम हियर। सिंपल प्रॉपर ग्रिप भी है, ऐसा नहीं कि स्लिपरी है या कुछ है। हाँ स्ट्रेट पाथ, ये प्रॉपर ग्रिप। हाँ इसके बाद ग्रास है, यू क्लाइम दिस एवरीडे, यू गो डाउन, यू कम अप एवरीडे, एवरीडे द क्लाउड्स आर कमिंग डाउन, या फिर हम बादलों के पास जा रहे हैं, बट दिस व्यू इज इनक्रेडिबल। हेलो फॉग माय ओल्ड फ्रेंड,
अराउंड हाफ वे रास्ता कवर हुआ है अभी और विजिबिलिटी एकदम लो। फॉग फॉग एवरीवेयर। इट्स रेनिंग हियर। तो स्पीड भी तेज हो गई है बारिश की। एवरीथिंग इज स्लिपरी। डिफिकल्टी लेवल प्लस वन। उसकी वजह से मैं क्लोथ्स पर वेट और हवा चल रही है उस वजह से आई एम फीलिंग कोल्ड। प्रो टिप, ऑलवेज ब्रिंग योर हुडी विथ यू और अ सिंपल अपर विल डू। अपेरेंटली दिस इज आवर डेस्टिनेशन। दिस इज द सेकंड पीक 2 किलोमीटर बिफोर द फर्स्ट पीक। अ नाइस मॉडरेट काइंड ऑफ ट्रैक अगर बारिश नहीं हो तो। दिस इज द सेकेंड पीक ऑफ चोकरा मुड़ी एंड हियर वी आर। अराउंड 2 किलोमीटर्स का ट्रैक है ये और 2 आवर्स लगे इसे कम्प्लीट करने में। मतलब कम्प्लीट तो नहीं हुआ अभी, उसे ऊपर आने में 2 आवर्स लगे। बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बारिश हो गई, स्लिपरी रॉक्स थे, फॉग है हर जगह। हाँ बस उसकी वजह से व्यू नहीं मिल पा रहा है, बट समटाइम फॉग इज द व्यू। सही लगता है टू बी इन द क्लाउड्स। Here's the summary of the place. Chokramudi peak is the second highest peak of these ghats. यहाँ पर दो पीक हैं। This is the second one. एक first peak है यहाँ से 2 किलोमीटर्स आगे। First peak वो वाला है जहाँ पर हम लोग जल्दी से पहुँच गए थे। वहाँ की क्लाइंबिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्टीप क्लाइंबिंग है। If you are advanced level tracker, you can go for that track. And if you are not, this one is good. It is easy to moderate track. विष्णु जी हैं, ही इज एन अमेजिंग गाइड। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रैक कंप्लीट कराया। आई हैव टेकन सम पिक्चर्स जितना इस फॉग में होता है। इट्स टाइम टू गो डाउन क्योंकि चढ़ने में तो इट वॉज फाइन। स्लिपरी रॉक्स पे थोड़ा ईजी था चढ़ना, कि नीचे जाते टाइम तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई होप आई कम्प्लीट इट स्मूथली। कैमरा अंदर रख दिया है, आई वोंट बी एबल टू टेक एनी पिक्चर्स। मतलब GoPro से ले सकता हूँ खाली, कैमरा गीला होना ज़्यादा रिस्की है। Rocks are back.
ये वर्ड वाला थोड़ा सा इजी था, बाकी फिर से रॉक्स आ गए। सो हैव टू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, शुड पुट माय कैमरा इन माय बैग। आई सी यू व्हेन आई गेट डाउन। इट्स बेटर टू अवॉइड द रॉक्स एंड गो ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि ये स्लिपरी नहीं होता, बट यहाँ पे आप गिरोगे तो आपको लगेगी नहीं, मतलब लगेगी पर आप चिराओगे नहीं, क्रैच नहीं आएंगे। फाइनली आई एट द बेस नाउ। बहुत सही ट्रैक था, जाते टाइम थोड़ा टायरिंग था, आते टाइम बहुत एडवेंचरस। बारिश हो गई इसकी वजह से डिफ़िकल्टी बढ़ गई, बाकी मज़ा बहुत आया। स्लिपरी रास्ते, रॉक्स, दो चार बार गिर भी गया मैं। ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग ट्रैक। बारिश का टाइम भी सही है, बट ऑलवेज हैव अ गुड ग्रिप वाले शूज़ विथ यू, विंडशील्ड या रेनकोट और समथिंग लाइक दैट, बहुत काम आने वाला है।